सब्सक्राइब कीजिए विनोद वर्मा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक पहुंचे सभी लेटेस्ट टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सर्वश्रेष्ठ ऑडियो और वीडियो क्वालिटी में। सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इन दिस वी हैव डिफरेंट सेक्शंस आउट ऑफ विच आवर फर्स्ट सेक्शन इज अबाउट बैटरी कंस्ट्रक्शन। सो इन दिस कंप्लीट सेशंस वी विल स्टडी अबाउट द बैटरी कंस्ट्रक्शंस, charging and testing of batteries, various types of batteries, starting and battery charging systems, starter motor construction, type of drives, alternator construction, regulations and rectification. So this will be the constituent for next few lectures. Okay, so let's start with battery construction. आप सबने सुन रखा है battery के बारे में और बहुत widely हम use करते हैं, ठीक है, because it is a kind of storage device for your energy. Okay, so let's start from here. Car's electrical system consists of the battery, starter and alternator. तो कोई भी कार होती है तो उसमें क्या क्या चीजें लगी होती हैं? एक बैटरी लगी होती है, एक स्टार्टर लगा होता है और एक अल्टरनेटर लगा होता है। स्टार्टर क्या काम करता है? इट स्टार्ट योर व्हीकल। जो स्टार्टर मोटर होती है, हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक दूसरा पार्ट होता है स्टार्टर और तीसरा होता है अल्टरनेटर। अल्टरनेटर क्या होता है? जो करंट बनाता है, ठीक है। तो जब बैटरी से करंट ड्रॉ हो जाता है तो उसकी क्या होती है, आपकी कैपेसिटी कम हो जाती है, तो हमें वापस से उसको रिचार्ज करना होता है और वो काम कौन करता है? हमारा अल्टरनेटर। सो दीज थ्री थिंग्स मस्ट बी देयर। जो भी हमारी गाड़ी होती है, जो सेल्फ स्टार्ट होती है, उनमें हम देखेंगे बैटरी होती है, स्टार्टर होता है और अल्टरनेटर होता है। द बैटरी प्रोवाइड्स एनर्जी टू द स्टार्टर, ठीक है। एज आई सेड कि बैटरी से स्टार्टर को मिलता है और स्टार्टर क्या होता है, पहले अपनी मोटर को घुमाता है जिससे ये इंजन को स्टार्ट करता है। ओके, देन द अल्टरनेटर गिव्स दैट बैटरी द एनर्जी इट नीड्स टू पावर योर कार। और अल्टरनेटर क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है कंटिन्यूअसली। जब इंजन चलता रहता है तो ये अपनी एनर्जी क्या करता है, बैटरी को देता है। ओके, और जिनको कंटिन्यूअसली एनर्जी चाहिए, फॉर एग्जांपल स्पार्क प्लग है या फिर आपके पास में अंदर की लाइटिंग है, इन सबको कंटिन्यूअसली एनर्जी कहां से मिलती रहती है, बैटरी के थ्रू आपकी आती रहती है और ये कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस करता है अल्टरनेटर। इफ वन ऑफ दीज पार्ट्स इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली योर कार वॉन्ट स्टार्ट और रन करेक्टली। मान लीजिए आपका इन तीनों में से कुछ भी खराब हो जाए, यदि आपकी बैटरी खराब हो जाती है तो आपकी गाड़ी ऑटो स्टार्ट नहीं हो सकती है, और इसी तरीके से स्टार्टर यदि प्रॉब्लम है तो भी आपकी गाड़ी में दिक्कत आएगी, बैटरी सही होगी कोई फायदा नहीं है। इसी तरह अल्टरनेटर यदि खराब हो गया तो एक या दो बार तो आपकी बैटरी आपका काम करेगी, लेकिन उसके बाद वापस खुद चार्ज नहीं हो पाएगी तो वो आगे से स्टार्ट नहीं कर पाएगी। तो तीनों इंटरडिपेंडेंट चीजें हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। तो एज वी सी इन दिस डायग्राम देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज, हम बहुत कॉमनली देखते हैं, ठीक है। तो Until your vehicle starts, your battery is providing the car's entire electrical current. तो जितना भी गाड़ी के अंदर में करंट की आवश्यकता होती है, जितना भी हमारे को डिवाइसेस को चलाने के लिए या फिर हमारे स्पार्क प्लग को चलाने के लिए जो भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, वो हमारी बैटरी से मिलती है हमको जब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। क्योंकि गाड़ी एक बार स्टार्ट हो जाती है तो अल्टरनेटर विल स्टार्ट फंक्शनिंग और अल्टरनेटर विल ऑल्सो स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट। ओके, दिस इंक्लूड्स द करंट टू द इग्निशन एंड फ्यूल सिस्टम। तो पहला तो इसका इंपॉर्टेंट काम है कि फ्यूल इग्निशन के लिए जो स्पार्क प्लग में हम लोगों को चाहिए वो ये प्रोवाइड करता है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द कम्बशन नेसेसरी फॉर योर इंजन टू फंक्शन। तो जब कम्बशन शुरू होगा तो ही आपका इंजन स्टार्ट हो पाएगा, तो ये इनिशियल आपको करंट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर कुछ डायग्राम दिखाए हुए हैं, ये जनरल बैटरी के अलग अलग लेआउट्स हैं, आपने देख रखे होंगे, ठीक है। लेकिन खास बात ये होती है कि हमेशा इसमें आपको दो ही टर्मिनल मिलेंगे, ठीक है, और कितनी भी बड़ी बैटरी होगी उसके अंदर आपको दो ही टर्मिनल आउट पे मिलेंगे, और जनरली आपका एक टर्मिनल आपको रेड मिलेगा, दूसरा ब्लू हो सकता है या ब्लैक हो सकता है। तो द रेड वन इज ऑलवेज पॉजिटिव टर्मिनल। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डीसी करंट की, तो डीसी में हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। यदि आप एसी की बात करते हैं तो आप जैसे चार्जर है घरों में या कोई भी डिवाइस है तो आप उसमें तारों को यदि बदल भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि आपने डीसी में उल्टा तार लगा दिया तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो आपको हमेशा पॉजिटिव तार के साथ पॉजिटिव जोड़ना होता है, नेगेटिव के साथ नेगेटिव जोड़ना होता है, एंड कलर कोडिंग इज प्रोवाइडेड। और यहाँ पर ये आप देखेंगे एम्बोज भी है इसमें, इस कवर के ऊपर में भी छपा हुआ रहता है कि कौन सा साइड पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। ओके, सो लेट्स डिस्कस मोर अबाउट बैटरी। अ बैटरी इज अ डिवाइस दैट स्टोर केमिकल एनर्जी एंड कन्वर्ट इट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सबसे जो मेजर इसका रोल है बैटरी का वो क्या है कि कोई भी एनर्जी को केमिकल फॉर्म में स्टोर करना। तो केमिकली हम लोग पढ़ चुके हैं, सेल होते हैं हम लोगों के पास छोटे स्केल पे, और बड़े स्केल पे हमारे पास बैटरीज होती हैं अलग अलग टाइप की, उनमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो केमिकल फॉर्म में होती है। लेकिन जब हम को एनर्जी चाहिए होती है तो हम उसको केमिकल रिएक्शन करा के इलेक्ट्रिक फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं।
The chemical reaction in battery involves the flow of electrons from one material electrode to another through an external circuit. तो जब भी हमें करंट ड्रॉ करना होता है तो क्या होता है हमारा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है. तो यहाँ पर आप राइट में एक डायग्राम देख पा रहे हैं. यहाँ पर बेसिक एक बैटरी आपको दिखाई हुई है, दो उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है. ठीक है, पॉजिटिव इज यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड नजर आ रहा है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड नजर आ रहा है. तो जब भी आपको कोई आउटसोर्स पे आपको लोड लेना है तो आप क्या करेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे एक सर्किट से. तो यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स उसके थ्रू फ्लो होने शुरू हो जाएंगे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ में. ठीक है, तो दिस इज हाउ योर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो. और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं आपका जो भी आउटसोर्स है उसके अंदर में आपका एनर्जी रिसीव होने लग जाता है और वो बल्ब आपका इग्नाइट होने लग जाता है, जलने लग जाता है. ठीक है, सो दिस इज हाउ योर बेसिक बैटरी वर्क्स. The flow of electron provides an electric current that can be used to do work. So basically, electrons are responsible for electric currents. To balance the flow of electrons, charged ion also flows through an electrolytic solution that is in contact with both electrodes. तो क्या होता है, ये जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो करते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से आयंस भी क्या होते हैं, फ्लोट करते हैं. और ये आयंस क्या होते हैं, एक मीडियम के थ्रू फ्लोट करते हैं. तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेना पड़ता है जिसके थ्रू ये जो आपके पास आयंस हैं ये क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर सकते हैं. ठीक है, डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोड्यूस डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस दैट अफेक्ट हाउ द बैटरी वर्क्स, हाउ मच एनर्जी इट कैन स्टोर एंड इट्स वोल्टेज. तो देखिए, ऐसा नहीं है कि एक ही तरह की वोल्टेज मिलेगी आपको या एक ही तरह का इलेक्ट्रोलाइटिक आपको यूज करना है या फिर एक ही तरह का इलेक्ट्रोड यूज करना है. देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस जिसमें आप अलग अलग इलेक्ट्रोड्स काम में ले सकते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट काम में ले सकते हैं. और उसी पे डिपेंड करता है कि उसकी आउटपुट आपको कितनी मिल रही है. ठीक है, और किस कैपेसिटी में मिल रही है, उसकी करंट आपको कितने लंबे समय तक मिल रहे हैं या हम कम समय में ज्यादा करंट ड्रॉ कर सकते हैं, ये सारी बातें उसकी कंस्ट्रक्शन पर और उसके मटीरियल पर डिपेंड करेगी. ओके, सो द बेसिक केमिकल रिएक्शन इन योर लिड एसिड बैटरी जो होती है उसमें क्या होता है, आपके पास एनोड पे जो रिएक्शन होता है दैट इज योर पीबी जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है. यहाँ पर हमने क्या ये ले रखी है, सल्फ्यूरिक एसिड ले रखी है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और ये मिलकर के आपका बनाता है PbSO4 और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज होते हैं पर जो इक्वेशन है उसके हिसाब से. तो यहाँ से जो इक्वेशन चलती है तो यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और वो क्या होते हैं, कैथोड की तरफ जाते हैं. सिमिलरली कैथोड पे जो रिएक्शन होता है वो PbO2 होता है प्लस 4H प्लस SO4 जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस है, जब उसके साथ दो इलेक्ट्रॉन्स रिएक्ट होते हैं तो वो PbSO4 बनाता है, लेड सल्फेट बनाता है और उससे दो वाटर के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं. तो ये जो दो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये किस में आ जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में आ जाते हैं. तो हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रोलाइट शुरू में हम कंसंट्रेट लेते हैं थोड़ा और उसके बाद उसकी धीरे धीरे क्या होती है, कंसंट्रेशन कम होने लग जाती है यानी वो डाइल्यूट होने लग जाता है बिकॉज ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल. तो इसमें धीरे धीरे वाटर ऐड होता है तो ये क्या होता है, सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट होने लग जाता है. ठीक है, सिमिलरली ओवरऑल रिएक्शन यदि हम देखें तो हम इसी दोनों साइड को लेफ्ट टू राइट हम जब ऐड कर देंगे तो यही इक्वेशन हमारे पास टोटल आएगी और इसमें नेट रिजल्टेंट हमारे को 2 वोल्ट का मिलता है. तो यानी कि इतना हमारे पास करंट एक सेल से ड्रॉ होता है, 2 वोल्ट का करंट हम एक सेल से ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, नाउ यदि हम बात करें कि कितनी तरह की हमारे पास बैटरीज हो सकती हैं तो हम यदि ब्रॉडली क्लासिफाई करें बैटरीज को तो हम दो तरह की बैटरीज की बात करते हैं, वन इज केमिकल एंड वन इज फिजिकल एनर्जी टाइप ऑफ स्टोरेज बोल लीजिए या बैटरी जो भी स्टोर कर सकता है उसको हम बैटरी बोल सकते हैं. तो केमिकल यदि हम बात करें तो केमिकली वी हैव 3 कैटेगरीज, प्राइमरी सेकेंडरी एंड अदर टाइप. तो प्राइमरी जो होती हैं वो होती हैं लाइक कार्बन जिंक ड्राई सेल मर्करी ऑक्साइड सिल्वर ऑक्साइड. तो ऐसी प्राइमरी बैटरी जो वन टाइम यूज होती है, ड्राई बैटरीज यूज होती हैं, आपने बहुत सारे डिवाइसेस में देखी हैं, वहां पर आप क्या करते हैं, सिंगल टाइप ऑफ बैटरीज यूज करते हैं, ड्राई सेल्स यूज करते हैं. ठीक है, घड़ियों में लगाते हैं, आप उसको चार्ज नहीं करते हैं, वन टाइम आप यूज करते हैं. इसी तरह से यदि आप सेकेंडरी की बात करते हैं तो उसमें लेड एसिड बैटरी हो सकती है, निकल कैडमियम हो सकती है, लिथियम सेकेंडरी बैटरी हो सकती है. ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं जो सेकेंडरी में आते हैं और ये सारे चार्जेबल होते हैं. यानी आप क्या करते हैं, उसको एक बार पूरी साइकिल यूज करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, उसके बाद वापस चार्ज करते हैं, यानी उसके अगेंस्ट वापस से पोटेंशियल देते हैं रिवर्स ऑर्डर में, तो वापस से उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो वापस से रिस्टोर हो जाता है. सो इट इज रेडी फॉर नेक्स्ट साइकिल, तो वो वापस से एक बार पावर दे सकती है. बट इसमें इसकी एक लिमिट होती है और ये जो बैटरी की लाइफ होती है ये
इन साइकिल्स रिकॉर्ड होती है कि कितने साइकिल्स तक ये काम कर सकती है। मान लीजिए आपने एक रिचार्जेबल बैटरी खरीदी है अपने कैमरा के लिए, तो आप उसको हो सकता है 1000 टाइम चार्ज कर सकते हैं, 2000 टाइम चार्ज कर सकते हैं। तो ये जो सेल्स होते हैं इनके ऊपर में ये नोटेड होता है कि कितने साइकिल्स आप उसमें चार्जिंग कर सकते हैं, लाइक 2000 साइकिल्स तक, यानी 2000 बार आप उसको फुल्ली डिस्चार्ज और चार्ज कर सकते हैं, इतनी उसकी कैपेसिटी है। और कुछ बैटरीज क्या होती है टाइम पीरियड के फ्रेम में बताती है, लाइक 3 इयर्स वारंटी वो दे रहे हैं, कोई की 5 ईयर वारंटी दे रहे हैं, तो वो उस टर्म में भी आपकी लाइफ को डिफाइन करते हैं। उस लाइफ के अंदर ये हो गया कि यदि आप उससे करंट ले रहे हैं और नहीं भी ले रहे हैं तो भी उसकी टाइम के साथ में क्या होता है, लाइफ डिग्रेड हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से आपने मान लीजिए रिचार्जेबल सेल खरीद लिया और 5 साल तक यूज नहीं किए, तो हो सकता है उसका मटेरियल अंदर से डिग्रेड हो जाएगा, उसके बाद वो फंक्शन प्रॉपर नहीं करेगा। तो दिस इज अबाउट सेकेंडरी सेल। और अदर टाइप्स की हम बात करें तो उसमें आता है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल आप लोगों ने पढ़ रखा होगा दैट कि उसमें आपका हाइड्रोजन क्या होता है, रिएक्शन होने के बाद हम लोग उसको हाइड्रोजन को इवॉल्व करते हैं और फ्यूल सेल्स को हम काम में लेते हैं। इन मोटर व्हीकल्स ऑल्सो वी आर यूजिंग फ्यूल सेल्स। ओके, सो दीज आर दी केमिकल टाइप्स। एंड फिजिकल एनर्जी यदि स्टोरेज की हम बात करें तो सोलर सेल्स में हम फिजिकल एनर्जी स्टोर करते हैं, थर्मल के फॉर्म में करते हैं, न्यूक्लियर के फॉर्म में करते हैं, तो दे ऑल आर फिजिकल सोर्स टाइप ऑफ स्टोरेज, और यू कैन से बैटरीज। सो दीज इज द मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ योर बैटरीज। अब यदि हम बात करें बैटरी कंस्ट्रक्शन की, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग पढ़ते हैं वो होती है लेड एसिड बैटरी। सो लेड एसिड बैटरी आर कॉमनली मेड ऑफ 5 बेसिक कंपोनेंट्स। तो किसी भी लेड एसिड बैटरी में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, सबसे पहला होता है रेजिलेंट प्लास्टिक कंटेनर। तो ऊपर जो आपका केसिंग होता है, जो बैटरी का पूरा कंटेनर देखते हैं, वो बहुत ही रेजिलेंस, बहुत ही मजबूत एक प्लास्टिक का कंटेनर होता है, जिसके अंदर में पूरी आपके पास में फिटिंग्स अंदर की तरफ बंद होती हैं, सिर्फ बाहर आपको 2 टर्मिनल दिखते हैं। सेकेंड इज योर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटरनल प्लेट्स मेड ऑफ लेड। तो अंदर लेड की प्लेट्स होती हैं, एक नेगेटिव प्लेट होती है, एक पॉजिटिव प्लेट होती है, जिसको हमने अभी इलेक्ट्रोड भी बोला है। तो यहाँ पर वो इलेक्ट्रोड राउंड फॉर्म में ना होकर के प्लेट्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, थर्ड जो थिंग है वो होता है प्लेट सेपरेटर मेड ऑफ पोरस सिंथेटिक मटीरियल। तो जो दो प्लेट्स होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो बहुत नजदीक होती है एक दूसरे के, तो वो किसी भी तरह से एक्सीडेंटली भी टच नहीं हो पाए, तो हम क्या करते हैं उसके बीच में प्लेट सेपरेटर यूज करते हैं। और वो प्लेट सेपरेटर जब हम बीच में लगाते हैं, तो ऐसा नहीं हो कि जो आयंस हम बात कर रहे हैं वो एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंच ही नहीं पाए, तो हम जो मटेरियल होता है उसका वो पोरस लेते हैं। हम आगे देखेंगे कौन कौन से मटेरियल एज ए सेपरेशन मटेरियल हम काम में लेते हैं। तो वो मटेरियल की खास बात ये है कि वो पोरस होते हैं, जिससे कि उसके अंदर में से फ्लूड आर पार में जा सके, तो आपके आयंस भी उसमें से होते हुए फ्लोट हो सकते हैं। देन वी हैव इलेक्ट्रोलाइट। तो जो मीडियम है जिससे आयंस हमारे क्या करेंगे, इधर से उधर ट्रेवल करेंगे एनोड से कैथोड की तरफ, तो वो क्या करेंगे आपके इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू ही पास ऑन होंगे, और ये होता है लगभग 35% सल्फ्यूरिक एसिड एंड 65% वाटर। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आप कह सकते हैं इसको, हम लोग काम में लेते हैं एज इलेक्ट्रोलाइट। एंड बैटरी टर्मिनल, तो बैटरी टर्मिनल क्या होते हैं, जो हमारे बाहर की साइड में, जिससे हम कोई भी सोर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, तो हमें ऐसे 2 टर्मिनल चाहिए, 1 इज पॉजिटिव 1 इज नेगेटिव। तो 2 ही टर्मिनल आपको बाहर देखने को मिलते हैं। सो दिस इज अबाउट बैटरी टर्मिनल। तो हम यदि इसकी कंस्ट्रक्शन को समझना चाहें तो आपके सामने एक डायग्राम आपको नजर आ रहा है। तो हम यदि लेफ्ट वाले डायग्राम की बात करें तो आप सबसे पहले देखेंगे आपको एक कंटेनर दिख रहा है ये ब्लैक सा कलर का, तो हम जनरली बैटरी को यहीं तक देख पाते हैं, हमें पता नहीं होता है इसके अंदर क्या है। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर एक्चुअली क्या होता है, तो बाहर से बैटरी को देखते हैं तो एक पूरी केसिंग होती है प्लास्टिक की, और उसमें हमें 2 टर्मिनल सिर्फ नजर आ रहे होते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, और उसमें से एक होता है पॉजिटिव एक होता है नेगेटिव। ओके, अब यदि हम अंदर की बात करते हैं तो अंदर हमको क्या क्या मिलता है, तो जैसा अभी हमने बात करा इसके अंदर में सेल्स होते हैं। तो सेल्स क्या होते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 सेल्स लगे हुए हैं इस बैटरी में, तो 6 सेल की बैटरी है ये। यदि हम एक सेल की कंस्ट्रक्शन को समझने की कोशिश करते हैं तो एक सेल के अंदर आप देखेंगे एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होना चाहिए और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा और एक पॉजिटिव होगा। उसके बाद में कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, अल्टरनेटली वापस से पॉजिटिव नेगेटिव का एक एरे यूज किया है। ठीक है, एक हमने कॉम्बिनेशन यूज किया है, और उन पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में टच नहीं हो जाए उसके लिए हमने बीच में सेपरेटर यूज किया है। ठीक है, विच इज पोरस सेपरेटर। ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं मल्टीप्लेट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो ये जो आपको दिख रहा है सबसे ऊपर, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, और इससे जितनी भी आपके पास में प्लेट्स कनेक्टेड है वो सारी पॉजिटिव कनेक्टेड है। ठीक है, इसी तरीके से उनके अपोजिट में जो नेगेटिव प्लेट्स हैं वो आके लेफ्ट वाले इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीप्लेट नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो ये जो इलेक्ट्रोड है इससे सारी नेगेटिव प्लेट्स कनेक्टेड हैं। तो पॉजिटिव एक साइड के टर्मिनल से कनेक्टेड है, नेगेटिव एक साइड की। आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं
कि किस तरीके से एक एक प्लेट को हमने इसके साथ में ज्वाइन किया हुआ है। तो ये सारी नेगेटिव प्लेट्स हैं जो इस टर्मिनल से ज्वाइन है, इसी तरह से पॉजिटिव प्लेट्स इस टर्मिनल से ज्वाइन है, और इन दोनों के बीच में क्या यूज कर रखा है, हमने सेपरेटर यूज कर रखा है। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स ऑफ एडजेसेंट सेल्स आर लिंक्ड बाय गिविंग ग्रेटर वोल्टेज। तो हमने क्या किया हुआ है, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, मान लीजिए आपका ये एक सेल है और इस सेल की कैपेसिटी है आपके पास में लाइक 6 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर यदि हमने 3 सेल्स यूज किए हैं, 3 कॉम्बिनेशन यूज किए हैं और हर कॉम्बिनेशन से हमको 2 वोल्ट मिलता है, तो हमारे पास मान लीजिए 6 वोल्ट हमारे पास मिलता है। तो हमें यदि मान लीजिए इसकी कैपेसिटी बढ़ानी है तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर नंबर ऑफ जो सेल्स हैं उनको आपस में सीरीज में जोड़ देते हैं। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट सेल सेकंड सेल के साथ में यहाँ पर सीरीज में जुड़ा है, तो यहाँ का पॉजिटिव क्या हुआ, यहाँ के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ का नेगेटिव आगे के नेगेटिव से जुड़ा है, फिर यहाँ का पॉजिटिव पॉजिटिव से, तो ऐसे करते हुए लास्ट में हमारे पास इधर से पॉजिटिव और इधर का नेगेटिव ही फाइनल बचता है, और ये सब सीरीज में जुड़े हुए हैं। जैसे ये सीरीज में जुड़े हैं तो आपके पास क्या होता है, आपका वोल्टेज बढ़ता चला जाता है। तो इस तरीके से आप इस बैटरी के अंदर में वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। तो आप देखेंगे 12 वोल्ट की बैटरी मिलेगी जिसमें 6 सेल होते हैं। हम जनरली देखते हैं बाइक्स के अंदर में आप 6 वोल्ट की बैटरी लेते हैं, ठीक है, तो 3 सेल आपके उसके अंदर में लगे हुए हैं 2 वोल्ट के। इस तरीके से हम 24 वोल्ट तक की बैटरीज को हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द मेन कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर राइट में भी आप देखेंगे तो एक डायग्राम आपको दिखा रखा है सेपरेट सेपरेट, तो यहाँ पर अलग अलग प्लेट्स दिखा रखी हैं और ग्रिड भी दिखा रखा है। ये आप सबसे पहले देख रहे हैं ग्रिड प्लेट जो कि सेपरेट कर रही है, इसी तरह से पॉजिटिव प्लेट आपकी लेड की दिख रही है, फिर बीच के अंदर में आपको माइक्रोपोरो सेपरेटर दिख रहा है, फिर वापस से पॉजिटिव प्लेट दिख रही है। इस तरह से ये पूरी एरेज होती है और इनको हम क्या करते हैं, कंबाइन करके एक सेल बनाते हैं। और इस तरह की कितने सेल इस बैटरी में है इससे डिपेंड करता है कि आपकी वोल्टेज आपको कितने मिलने वाली है। ठीक है, तो हर सेल से आपको 2 वोल्ट प्रोड्यूस होता है। नाउ एज आई टोल्ड यू कि देयर मस्ट बी अ सेपरेटर, तो 2 प्लेट्स यानी पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में हम क्या करते हैं, सेपरेटर यूज करते हैं, और वो सेपरेटर अलग अलग मटेरियल हो सकता है। इट मे बी वुड, इट मे बी रबर, इट मे बी ग्लास फाइबर मैट। ठीक है, इसी तरह से सेल्यूलोज की भी हम क्या बोलते हैं, प्लेट्स काम में लेते हैं एज ए सेपरेटर। देन सिंटर्ड पीवीसी हम लोग काम में ले सकते हैं, माइक्रोपोरस जो हम लोग मटेरियल है, माइक्रोपोरस बहुत सारे मटेरियल होते हैं, हम उनको काम में ले सकते हैं। इसी तरह से पीवीसी या पॉलीथिलीन की हम लोग जो सेपरेटर्स हैं वो भी हम लोग इसके बीच में काम में ले सकते हैं। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, इनके अलावा भी कई तरह के सेपरेटर्स हम मार्केट में देखते हैं विच वी कैन यूज एज ए सेपरेटर। ओके, नाउ लेट्स गेट सम डिटेल अबाउट द लेड एसिड बैटरीज। लेड एसिड बैटरीज कम इन सेवरल डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस। तो लेड एसिड बैटरी भी जो होती है वो कई तरह के अलग अलग कॉम्बिनेशंस में आती है। फर्स्ट इज फ्लडेड लेड एसिड, अवेलेबल इन डीप साइकिल और इंजन स्टार्टिंग फॉर सील्ड और ओपन वेराइटी। तो इसमें क्या होता है, फ्लडेड के अंदर में वो पूरी तरह से डूबी हुई रहती है, इलेक्ट्रोलाइट में वो डुबा के रखते हैं हम उसको, और ये डीप साइकिलिंग के काम आती है। डीप साइकिलिंग मतलब काफी लंबे टाइम तक यदि आपको करंट ड्रॉ करना है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, फ्लडेड एसिड बैटरी काम में लेते हैं। ठीक है, और इंजन स्टार्टिंग एज सील्ड और ओपन वेराइटी, तो इन दोनों कामों के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लडेड टाइप ऑफ लेड एसिड बैटरी काम में लेते हैं। दूसरा जो टाइप होता है दैट इज सील्ड लेड एसिड, द लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट इज जेल्ड इनटू मॉइस्टेंड लेड प्लेट सेपरेटर विच अलाउ केस टू बी सील्ड। इसमें क्या करेंगे, आप जो सेपरेटर होता है उसी में आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का एक जेल काम में लेते हैं। आप बिल्कुल लिक्विड नहीं लेते हैं, आप जेली फॉर्म में उसको क्या करते हैं, उन सेपरेटर्स के ऊपर में लगा देते हैं और उनको बीच में आप फिक्स कर देते हैं नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट्स के, और आप पूरी बैटरी को पैक कर देते हैं। आपने देखा होगा उसमें कोई, आप लाइक आपकी बाइक्स के लिए जो बैटरी खरीदते हैं उसमें कोई होल नहीं होता जहां से आप एसिड डाल सकते हैं, लेकिन फर्स्ट वाला जो केस है फ्लडेड लेड एसिड बैटरी उसमें आप ऊपर से खोल के और उसके अंदर में जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको फिल कर सकते हैं। लेकिन सील्ड में क्या होता है, वो पूरी तरह से सील कर देते हैं, और उससे फायदा क्या होता है कि आप उसको कैसे भी यूज करिए, ओरिएंटेशन उसका कैसे भी रखिए तो कोई दिक्कत नहीं है, और उनकी एक फिक्स लाइफ होती है लाइक 3 to 4 years, उसके बाद आपको उसको रिप्लेस करनी पड़ती है। लेकिन जो फ्लडेड लेड एसिड बैटरी होती है उसमें आप बार बार क्या करते हैं, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है उसको रिफिल करते रहते हैं और वो कुछ समय तक बार बार मल्टीपल टाइम्स में जलती रहती है, लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम उसके बाद उसकी जब पूरे सेल्स खत्म हो जाते हैं, उसकी जो मटेरियल है वो डिग्रेड हो जाता है, उसके बाद आपको उसको रिप्लेस करना होता है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट योर सील्ड लिड एसिड बैटरीज। सेफ्टी वॉल्स अलाउ वेंट ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग एंड एटमोस्फेरिक प्रेशर चेंजेस। तो उसमें क्या होता है, वेंट होता है, एक छोटे छोटे होल होते हैं उसके अंदर में, जो क्या करते हैं प्रेशर को मेंटेन रखते हैं, क्योंकि जब अंदर से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती है तो प्रेशर डिफरेंस होता है और बाहर पर जो प्रेशर होता है उसको वो क्या करते हैं,
मेंटेन करके रखने का काम करते हैं दीज वेंट्स, ओके। देन एब्जॉर्ब मेटल मैट बैटरीज, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो मेटल मैट है उसके अंदर में हम लोग जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसको एब्जॉर्ब करके रखते हैं। सील्ड लेड एसिड दैट यूज एब्जॉर्ब ग्लास मैट्स बिटवीन द प्लेट्स, तो यहाँ पर जो मैट है वो क्या है, ग्लास मैट्स यूज कर रहे हैं जिसके अंदर में हमारा इलेक्ट्रोलाइट हम लोग पहले से ही उसके ऊपर में हम लोग कोट कर देते हैं। इट इज सील्ड मेंटेनेंस फ्री एंड प्लेट्स आर रिजिडली माउंटेड विथ स्टैंड एक्सटेंसिव स्टॉक एंड वाइब्रेशन, तो इससे फायदा क्या हुआ, इसको भी हमने सील कर दिया और इसको आप किसी भी ओरिएंटेशन में लगा लीजिए। मान लीजिए बैटरी यदि टेढ़ी भी रखी हुई है और गाड़ी चल रही है, या मान लीजिए बहुत ऑफ रोड कंडीशन में गाड़ी चल रही है जो बहुत ज्यादा तेजी से हिल रही है, तो यदि यहाँ पर हम फ्लडेड लेड एसिड यूज करते हैं तो पॉसिबिलिटी होती है कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो बह करके बाहर आ जाए, या फिर किसी तरह से बैटरी का ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है तो वो इलेक्ट्रोलाइट आपका बाहर आ सकता है। लेकिन ये ड्राई टाइप की जो बैटरीज है, जो सील्ड बैटरीज है, इनमें क्या होता है, ये फायदा रहता है और इन्हें बोलते हैं मेंटेनेंस फ्री, यानी आपको कोई भी जो इलेक्ट्रोलाइट है वो टाइम टू टाइम चेंज नहीं करना होता है। जबकि हमारे जो घरों में इन्वर्टर पे बैटरीज होती हैं, हम उनको कहते हैं 3 से 4 महीने में इलेक्ट्रोलाइट आपको वापस उसका जो लेवल है मेंटेन करते रहना पड़ता है। तो दिस इज योर AGM टाइप ऑफ बैटरी। देन वी हैव डीप साइकिल टाइप ऑफ बैटरीज, तो डीप साइकिल बैटरी क्या होती है, डिजाइन फॉर मैक्सिमम एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी एंड हाई साइकिल काउंट लॉन्ग लाइफ एंड आर रेटेड इन एम्पियर पर आवर, तो जो डीप साइकिल बैटरीज होती हैं वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपको करंट ड्रॉ करने के लिए आती हैं, यानी कि वो निरंतर एक ही तरह का वोल्टेज काफी समय तक दे सकती हैं, ठीक है, तो उन्हें कहते हैं डीप साइकिल बैटरीज। और उनकी जो लाइफ काउंट है, जैसा अभी हमने बात करी, हाई साइकिल काउंट, यानी हाई साइकिल काउंट किसको कहते हैं, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का जो साइकिल होता है उसको हम एक साइकिल काउंट करते हैं, तो जितनी बार वो ज्यादा से ज्यादा कर सकता है उसको हम बोल सकते हैं कि दे हैव हाई साइकिल काउंट, ठीक है, एंड आर रेटेड इन एम्पियर पर आवर, और उनकी रेटिंग कैसी होती है कि कितना एम्पियर को पर आवर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 5 एम्पियर का करंट वो दे सकते हैं पर आवर, तो हम उसकी जो रेटिंग होगी वो इस तरीके से बताएंगे, ठीक है। कोई यदि बैटरी 10 एम्पियर का करंट दे सकती है पर आवर, तो हम उसकी बैटरी की डेजिग्नेशन बताएंगे। दिस इज अचीव बाय इंस्टॉलिंग थिक लेड प्लेट विद लिमिटेड सर्फेस एरिया, तो यदि इस तरह की आपको डीप साइकिल बैटरी चाहिए तो आपकी जो लिड की जो प्लेट्स होती हैं उनकी थिकनेस ज्यादा रखी जाती है, तो वो क्या करती है, धीरे 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 आयंस रिलीज करती रहती हैं और ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, तो वो काफी देर तक चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम इसकी बात करें, टिपिकल एप्लीकेशंस आर बोर्ड्स अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, तो जो आप लोग लैपटॉप्स या गाड़ियों में देखते हैं जो UPS होते हैं या फिर लैपटॉप्स की जो बैटरीज होती हैं वो काफी लंबे समय तक चलती है, क्योंकि हमें लगातार एक कॉन्स्टेंट एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, या बोट आप चला रहे हैं तो एक ही आपकी वोल्टेज पे बोट क्या कर रही है, काफी दूर तक चलती रहती है, तो स्टेडी स्टेट में आपको इसमें क्या मिलता है, करंट मिलता है। दूसरी टाइप की बैटरीज होती है, दैट इज इंजन स्टार्टिंग, तो इंजन स्टार्टिंग टाइप क्या होता है, स्टार्टर बैटरीज आर मेड फॉर मैक्सिमम पावर आउटपुट, यूजुअली रेटेड इन CCA कोल्ड क्रैंकिंग एम्पियर्स, द बैटरी मैन्युफैक्चरर ऑब्टेन दिस बाय एडिंग मल्टीपल लेड प्लेट्स टू ऑब्टेन लार्जर सरफेस एरिया फॉर मैक्सिमम कंडक्टिविटी। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग थिक लेयर, जो हमने अभी बात करी कि थिक मोटी हम लोग जो प्लेट्स बना रहे थे लेड की डीप साइकिल के लिए, लेकिन इंजन स्टार्टिंग में हमको ज्यादा करंट एक साथ चाहिए, हमें लंबे समय तक की करंट की आवश्यकता नहीं है, हमें ज्यादा करंट और कम समय में चाहिए, समझ रहे हैं बात को, तो हमें एक सर्ज चाहिए होता है, हमें एक साथ ही हमें बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज चाहिए होता है, तो हमें चाहिए कि एकदम से ज्यादा पावर को ड्रॉ कर सके, तो हमें ज्यादा पावर ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, ज्यादा एरिया बढ़ा देते हैं, यानी हम पतली पतली प्लेट्स ज्यादा नंबर में लगाते हैं जिससे कि उनका जो सरफेस एरिया वो बढ़ जाए, और सरफेस एरिया बढ़ते ही रिएक्शन बहुत तेजी से होने लगेगा। तो मान लीजिए एक थिक प्लेट आपने 1 सेंटीमीटर की मोटी बना दी, सिंगल प्लेट, वो बहुत 6 घंटे तक लगातार करंट दे सकती है, लेकिन उसी 1 सेंटीमीटर को मान लीजिए हमने 10 टुकड़ों में बांट दिया 1-1 mm के, तो वो 1 सेंटीमीटर मोटा है उसकी बजाय हमने यदि 10 प्लेट्स ले ली 1-1 mm की, तो वो 10 जो प्लेट है उनका सरफेस एरिया बहुत बढ़ गया, 10 टाइम बढ़ गया, और उससे फायदा ये हुआ कि जैसे आप इंजन को स्टार्ट करते हैं तो हमें हाई करंट की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड कोल्ड क्रैंकिंग एम्पियर्स, यानी जब गाड़ी खड़ी है कोल्ड स्टेज में है तब हमारे को जो क्रैंकिंग के लिए, यानी उस गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करने के लिए जो एम्पियर चाहिए वो बहुत हाई होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कंटिन्यूसली 5 एम्पियर पर आवर की रेट से चाहिए, हो सकता है जब हम स्टार्ट करें हमें 60 एम्पियर की जरूरत हो, तो वो एनर्जी हमको एकदम से चाहिए, वो हमें मिलती है मल्टीप्लेट से, ठीक है। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, तो हमें वहां पर क्या चाहिए, हमें एरिया ज्यादा चाहिए और हम क्या करते हैं प्लेट्स की थिकनेस कम ले लेते हैं, तो मल्टीपल प्लेट्स हम काम में लेते हैं फॉर इंजन स्टार्टिंग, ठीक है।
इसका एप्लीकेशन यदि हम बात करें, टिपिकल एप्लीकेशंस आर व्हीकल्स एंड मोटरसाइकिल्स, तो यहाँ पर क्या होता है, एक ही टाइम वन टाइम आपको बैटरी की पावर की जरूरत पड़ती है और उसके बाद आपको नॉर्मल जो अल्टरनेटिव पावर बना रहा है उससे ही काम चलता रहता है। तो ये वन टाइम एनर्जी आपको मल्टीप्लेट जो बैटरीज होती है उनसे मिलती है, ठीक है। देन यदि हम कैपेसिटी की बात करें, बैटरी की कैपेसिटी को हम कैसे देखेंगे, सो द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटी इज यूजुअली गिवन इन एम्पियर आवर्स, ठीक है। यदि हम कभी भी आप मोबाइल भी खोल के देखेंगे अपने, तो आपको एम्पियर आवर दिखेगा, आपने देखा होगा 4000 एम्पियर आवर या मिली एम्पियर आवर आपके लिखा होगा MAH, ठीक है। सो व्हाट डज इट मीन कि आपकी जो बैटरी है उसकी जो कैपेसिटी है वो इतने एम्पियर आवर की है। एम्पियर आवर मतलब कि कितने एम्पियर कितने आवर, मल्टीप्लीकेशन में ये पर आवर नहीं है, ठीक है। तो ये आपको डिफाइन करता है कि उस बैटरी की कैपेसिटी क्या है। दूसरा जो तरीका होता है दैट इज कॉल्ड कोल्ड क्रैंकिंग एम्पियर्स, यानी कि कोल्ड स्टार्टिंग में जब हम काम में लेते हैं, तो ये जो अभी हमने बात करी AH या MAH, ये हम लोग बैटरीज कहाँ काम में लेते हैं, मोबाइल वगैरह में, क्योंकि यहाँ कॉन्स्टेंट करंट आपको चाहिए, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। इसी तरह से आपने बात करी कोल्ड क्रैंकिंग एम्पियर, यहाँ पर आपको इनिशियली बहुत ज्यादा करंट चाहिए, तो उस तरह की बैटरीज हम CCA में नापते हैं। क्रैंकिंग एम्पियर्स, क्रैंकिंग एम्पियर्स का मतलब क्या हो गया कि कोल्ड स्टार्टिंग नहीं है, लेकिन आपको स्टार्ट करने के लिए, इंजन को स्टार्ट करने के लिए जब जब करंट चाहिए, तो ये जो करंट होता है ये CCA से कम होता है, क्योंकि ऑलरेडी इंजन स्टार्ट होके बंद हुआ होता है, उसके बाद जो दूसरी बार आपको करंट चाहिए वो कोल्ड स्टार्टिंग से कम चाहिए होता है। सो दिस इज कॉल्ड CA। एंड रिजर्व कैपेसिटी, रिजर्व कैपेसिटी क्या होती है कि उसमें कितनी आपके पास, मान लीजिए आपने क्रैंकिंग कर ली है, उसके बाद आपके पास कितनी उसके अंदर रिजर्व कैपेसिटी बची है, दैट इज कॉल्ड RC और रिजर्व कैपेसिटी, ठीक है। सो द बैटरी कैपेसिटी और रेटिंग कैन बी डिस्क्राइब इन फॉलोइंग फोर मैनर्स। सो एज यू कैन सी इन दिस टेबल यू हैव डिफरेंट पैरामीटर्स एंड डिफरेंट मेजरमेंट्स हाउ यू कैन रेट अ बैटरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट व्हाट इज अ बैटरी कैपेसिटी, दैट फॉर हाउ लॉन्ग अ बैटरी कैन सस्टेन एंड हाउ मच करंट इन इन टर्म्स ऑफ एम्पियर और इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज इट कैन डिलीवर फॉर दैट पीरियड। तो कितने समय तक वो अपना कितना करंट दे रही है, इसी से हम बैटरी की रेटिंग डिफाइन करते हैं। सो सबसे जो पहला रेटिंग डिफाइन करने का तरीका होता है उसको शॉर्ट में बोलते हैं AH, एंड इट स्टैंड्स फॉर एम्पियर आवर्स, ठीक है। और ये क्या बताता है, इट लास्टिंग पावर ऑफ स्मॉल लोड्स। यदि मान लीजिए हमने बैटरी के साथ में कुछ एसेसरी जोड़ रखी है, तो वो कितनी देर तक चलेंगी, यदि हम उसको और चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो वो कितनी देर तक उसकी बैटरी में कैपेसिटी रहेगी, इसको चेक करने के लिए हम लोग इसके अंदर में टेस्टिंग करते हैं, और इसका टेस्टिंग टाइम होता है 20 आवर्स का। तो 20 घंटे तक हम इसको लगातार आउटपुट देके रखते हैं, और हम ये देखते हैं कि उसका जो मिनिमम वोल्टेज है सेल का वो 1.75 वोल्ट से नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो इतना उसको हमेशा वोल्टेज रखना है आफ्टर 20 आवर्स ऑल्सो, तो 20 आवर्स तक इसका वोल्टेज इससे ड्रॉप नहीं होना चाहिए इस किसी भी सेल का 1.75 से, ठीक है। इसको टेस्ट करते वक्त जो हम बैटरी का टेम्परेचर रखते हैं, वो रखते हैं हम 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसको हम सेंटीग्रेड में बोल सकते हैं 26.7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस टेम्परेचर पर इसको टेस्ट किया जाता है, और ये जनरली यूज देखा जाता है पावर एसेसरीज वेन इंजन नॉट वर्किंग। तो जब इंजन काम नहीं करता है, तो जो भी एसेसरीज हैं गाड़ी में उनको ये पावर डिलीवर करने का काम करता है, ठीक है। इसी तरह से जो दूसरा टेस्ट होता है वो होता है 20 मिनट टेस्ट, ठीक है। इसी को हम बोल सकते हैं 20 मिनट रेटिंग। तो 20 मिनट रेटिंग में हम क्या चेक करते हैं कि किस रेट ऑफ करंट हमको मिल रही है, कितना हमारे को कैपेसिटी में करंट मिल रही है। इसका जो टाइमिंग होता है, टेस्टिंग टाइम, वो होता है 20 मिनट्स का, ओके। और इसमें जो वोल्टेज है आपका वो 1.5 वोल्ट से ड्रॉप नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए आपका वोल्टेज 20 मिनट्स के बाद भी, ठीक है। इसका जो हम लोग टेस्टिंग करते हैं वो करते हैं अगेन हम 80 डिग्री फ़ारेनहाइट या 26 डिग्री सेंटीग्रेड कह लीजिए, और कंटिन्यूस करंट फॉर 20 मिनट्स हम इसमें देखते हैं कि वो कितना करंट ड्रॉ कर पा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड 20 मिनट रेटिंग। इसी तरीके से हम दो वर्ड और यूज़ करते हैं, दैट इज क्रैंकिंग एम्पियर्स और कोल्ड क्रैंकिंग एम्पियर्स। तो देखिए कोल्ड क्रैंकिंग एम्पियर्स तो वो एम्पियर हो गए जहाँ पर हम कोल्ड कंडीशंस में हम गाड़ियों को यूज़ करते हैं। मान लीजिए हम किसी बहुत ठंडे इलाके में और वहाँ पर हम बैटरी को यूज़ कर रहे हैं, तो वो वैसा परफॉर्म नहीं करेगी जो वो नॉर्मल कंडीशन में करते हैं। तो उस पर वो कैसे परफॉर्म करेगी, उसको टेस्ट करने के लिए हम कोल्ड क्रैंकिंग यूज़ करते हैं, और जीरो डिग्री पर वो किस तरह से काम करेगी, दैट इज कॉल्ड क्रैंकिंग एम्पियर्स। तो इस तरह से हम दो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, क्रैंकिंग एम्पियर स्टैंड्स विद CA और कोल्ड क्रैंकिंग एम्पियर स्टैंड्स फॉर CCA, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि इसमें जो बैटरियां हैं
उनको हमने जब चेक किया और हमें हमने देखा है कि इसके लिए मिनिमम आपको 1 एम्पियर चाहिए होता है करंट का, किसके लिए, कितने सीसी के इंजन के लिए, 16 सेंटीमीटर क्यूब के इंजन के लिए, ठीक है। तो इस कैलकुलेशन को हम कैलकुलेट करके रख करके हम कितने भी सीसी की गाड़ी के लिए मिनिमम देख सकते हैं कि हमारे पास उस बैटरी में कितना एम्पियर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यदि हम बोलें आपकी गाड़ी 2.4 लीटर इंजन है, यानी उसका जो क्यूबिक कैपेसिटी है वो है 2400 सेंटीमीटर क्यूब, तो यदि हम उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले को यूज करते हुए, तो हमें मिलेगा करीब करीब हमें 150 एम्पियर की बैटरी उसमें मिनिमम चाहिए होगी फॉर दीज कंडीशंस, ठीक है। तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली ये जो टेस्टिंग टाइम है ये हम 30 सेकंड्स देखते हैं डच स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, और बीएस के हिसाब से हम इसको लगभग 1 मिनट तक हम इसको चेक करते हैं। तो 1 मिनट या 30 सेकंड्स में हम देखते हैं कि उसका जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 1.2 वोल्टेज से नीचे नहीं जाना चाहिए, और इसको हम दो अलग अलग कंडीशंस में चेक करते हैं। यदि हम क्रैंकिंग एम्पियर के लिए चेक कर रहे हैं तो हम उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड या कह लीजिए 32 डिग्री फेरनहाइट पर टेस्ट करते हैं, और कोल्ड कंडीशन की बात करें यदि हम तो हम उसको 0 फेरनहाइट पर टेस्ट करते हैं, जो कि होता है अराउंड -18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम इस पर इन बैटरीज को टेस्ट करते हैं फॉर 30 सेकंड्स टू 1 मिनट, ठीक है। और ये कहलाती है वर्स्ट कंडीशन फॉर बैटरी। तो इसमें सबसे जो बैटरी है वो वहां पर वर्स्ट कंडीशन में परफॉर्म करती है, तो हमें इसके लिए भी बैटरीज को टेस्ट करना होता है। इसी तरीके से जो एक आता है दैट इज कॉल्ड रिवर्स कैपेसिटी, इट इज डिनोटेड विथ RC। तो रिजर्व कैपेसिटी क्या होता है, टोटल कैपेसिटी की आपकी जो भी बैटरी है वो कितनी टोटल कैपेसिटी है, उसमें कितनी क्षमता है, ठीक है, करंट देने की, सच दैट 44 एम्पियर बैटरी हैव RC ऑफ 60 मिनट्स। यदि आप 44 एम्पियर की एक बैटरी लेते हैं तो उसकी रिजर्व कैपेसिटी 60 मिनट्स, यानी 44 एम्पियर की बैटरी लगातार 60 मिनट्स तक आपको आउटपुट दे सकती है। कंडीशन यहां पर ये देखनी होती है कि आपकी वोल्टेज जो ड्रॉप है 1.75 वोल्ट से नीचे नहीं जाए, ठीक है, इट इज वेरी मैंडेटरी। और इसको जब हम टेस्ट करते हैं, इसको अगेन हम 80 डिग्री फेरनहाइट पर टेस्ट करते हैं या कह लीजिए 26.7 डिग्री पर टेस्ट करते हैं। तो इस टेस्टिंग का फायदा क्या होता है, हम ये देख पाते हैं हाउ मच टाइम मिनट बैटरी कैन सप्लाई 25 एम्पियर। तो हम ये देख सकते हैं कि 25 एम्पियर जो करंट है वो लगातार वो कितनी देर तक दे सकती है, 30 मिनट्स दे सकती है, 1 आवर दे सकती है, 2 आवर दे सकती है। तो हम यहाँ पर उसका रिजर्व कैपेसिटी नापते हैं कि वो कितने समय तक चल सकती है फॉर गिविंग दिस कॉन्स्टेंट आउटपुट ऑफ एनर्जी। तो दीज आर सम बेसिक रेटिंग्स यूज फॉर योर बैटरी कैपेसिटीज, ठीक है। और आप लोग देखेंगे तो अलग अलग कंडीशंस के लिए इसके अलावा भी कई तरह की आपको बैटरी कैपेसिटीज डिफाइंड है अलग अलग बुक के अंदर में आपको मिलेगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी।